इसी अमेठी ने संजय गांधी का पॉलिटिकल करियर शुरू किया, इसी अमेठी ने राहुल गांधी का, राजीव गांधी का पॉलिटिकल करियर शुरू किया, इसी अमेठी ने सोनिया गांधी को पॉलिटिकल करियर शुरू किया, फिर यह अमेठी अशुभ हो गया, इतना नफरत अमेठी से। रायबरेली पे बाद में आएंगे सर, रायबरेली बाद में आएंगे मनीष जी, अभी इस बात पे भी बाद में आएंगे। मैंने कहा ना, मैं खबर के पीछे कुछ खबर होती है उसको खराती कोई बोल नहीं रहा पूरा दिन में कि अमेठी रायबरेली को क्या खराती, ढोल मंजीरा लेके कीर्तन कर रहे थे, भजन गा रहे थे कि गांधी परिवार की विरासत है, गांधी परिवार का गढ़ है, गांधी परिवार का घर है, और वहां पर तो प्रियंका को आना चाहिए, सोनिया को आना चाहिए। तो रायबरेली में तो ऐसा नहीं कि रायबरेली का एक अलग भी इतिहास रहा है, इंदिरा गांधी भी हारी है राजनारायण से, तो मगर अमेठी को तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल गढ़ ही रहा, क्योंकि अमेठी जब पहली बार सीट बनी तो संजय गांधी जीते, उसके बाद राजीव गांधी जीते, एक चलता रहा, संजय गांधी पहला चुनाव हारे थे वहां पे आपातकाल के वाला। लेकिन ये जो खैराती गा रहे थे कि गढ़ है और घर है और बिल्कुल विरासत है परिवार की, उस पर राहुल और प्रियंका को आगे संभालना चाहिए, तो आज वो जो अमेठी की विरासत है, अपने बाप की विरासत, राजीव गांधी का कैरियर वही अमेठी से शुरू हुआ, राजीव गांधी पहला चुनाव वहीं लड़े, आखिरी चुनाव भी अमेठी से लड़े, और उसको बाद में सोनिया गांधी भी अपनी जिंदगी का पहला चुनाव अमेठी से लड़ी थी, रायबरेली तो बाद में आई 1999। उस विरासत को राहुल गांधी ने सौंपा किसको, उस विरासत को सौंपा किशोरी लाल को, राहुल गांधी के बाप की विरासत, उसके घर की विरासत, बुजुर्गों की विरासत, पुरखों की विरासत, और उसको अब उस विरासत का वारिस किशोरी लाल। तो ये जरा पतन देख लीजिए, और इन चमचों के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा है गांधी परिवार के इस करतूत ने कि राहुल गांधी के बाप की विरासत अब किशोरी लाल संभालेंगे। तो पहले तो यही है जो बड़ा मैटर है। उसके अलावा मनीष जी, एक और थप्पड़ यहाँ पड़ा है, घड़ी के अंदर पड़ा है। मैं जो पहले भी कह चुका हूं कि वो नेहरू के समय से इस परिवार की जो परंपरा रही है वो भी यहाँ पे दोहराई गई है कि दामाद को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना। याद करिए, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, लोग भूले नहीं होंगे कि अभी 15-20 दिन पहले वो कैसे ताल और छाती ठोक के आया था रॉबर्ट वाड्रा कि मैं घर की सीट मैं लड़ूंगा। तो उसको गांधी परिवार ने पूरे देश को बताकर एक मैसेज दिया है कि परिवार की विरासत संभालने में तुमसे ज्यादा बेहतर किशोरी लाल है, यानी उस परिवार का रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा हैसियत, राजा रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा वजन, राजा रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा गंभीरता से उस परिवार में किशोरी लाल को लिया जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाप की विरासत किशोरी लाल संभालेगा। यह दावा करता रहा, छाती ठोकता रहा, ताल ठोकता रहा, बुला के 2-4-10 न्यूज चैनलों को इंटरव्यू भी दे दिया। रॉबर्ट वाड्रा खुलेआम कह रहा था कि मुझे दो, उसको छोड़कर किशोरी लाल। तो ये जरा गांधी परिवार की प्राथमिकता है, गांधी परिवार की वरीयताएं, और गांधी परिवार में रॉबर्ट वाड्रा की हैसियत, ये आज इस डिसीजन से पहले ये पता चला। तो ये दर्शकों को कहूँ कि ये अभी आपने किसी खैराती से नहीं सुना होगा, कोई इसको इस तरह से देख ही नहीं रहा, लगे भजन में कि वो रॉबर्ट वाड्रा भी था नामांकन में, अरे उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये जरा सोचिए कि मुझको मना करके किशोरी लाल। तो ये तो आज के जो कांग्रेस का एपिसोड है, बड़ा हास्यास्पद नाटकीय एपिसोड है, उसका पहला परिणाम तो यही है कि राहुल गांधी के बाप की विरासत अब किशोरी लाल के पास, और रॉबर्ट वाड्रा को हैसियत बता दी गई कि तुम किशोरी लाल से हल्के हो। उसके अलावा मनीष जी, इस वीडियो में भी सर रॉबर्ट वाड्रा की हैसियत आपको दिखाई देगी। मुझे जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा विषय आपने उठाया कि इस परिवार में दामाद की हैसियत क्या है। देखिए, ये सोनिया एंट्री मारी, उसके बाद काठ का घोड़ा आया, अनुमति ले रहा है मालकिन से, मालकिन बैठ जाइए, फिर मालकिन करे नू बैठ। देखिए, अब दामाद जो है, बेटी और दामाद लड़ रहे थे, चेहरा देखिए जरा सा, प्रियंका वाड्रा का चेहरा और रॉबर्ट वाड्रा का चेहरा देखिए। इस पे किसी ने अभी ये देखिए चेहरा देखिए, ये क्या हो रहा दोनों के बीच। उसके बाद आकर के बैठा और दामाद की तरफ देखा भी नहीं, तो ये है। और दूसरा फ्रेम तो हमने दिखाया है कि इसके बदले में जो है वो किशोरी लाल जी, नहीं तो वो तो ताव खाया हुआ था ही मनीष जी, कि उसको बता दिया कि तुम किशोरी लाल से बदतर हो, तुम किशोरी लाल से बेहतर नहीं हो, तो वो तो ताव खाया हुआ बैठे ही था। तो ये तो मनीष जी इनका यह एक और इस परिवार से भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये लगातार सारे कांग्रेसी, वो सड़क छाप कांग्रेसी से लेकर ऊपर बैठे शीर्ष तक के कांग्रेसी, और ये सारे खैराती, ये गुजराती कैसे आके यूपी में लड़ गया, गुजराती कैसे प्रधानमंत्री बन गया, मतलब गुजरात को ये इस तरह से बात करते थे
जैसे गुजरात भारत का अंग नहीं है, गांधी का गुजरात में पैदा नहीं हुए, पटेल गुजरात में पैदा नहीं हुए, इस तरह से नरेंद्र मोदी पे प्रहार करने के लिए उनके गुजराती होने को मुद्दा बनाते थे कि गुजराती कैसे प्रधानमंत्री हो गया। ये भी इनका एक करतूत इनकी चलती थी, बनारस में भी ये अभी लगातार 2 बार करते, अब की भी ये कुकर्म करेंगे। तो आज राहुल गांधी से जरा पूछा जाना चाहिए कि अमेठी में गांधी परिवार का वारिस वो पंजाब के लुधियाना का साइकिल वाला कैसे हो गया, जिसका नाम किशोरी लाल शर्मा है। तुम साइकिल अपने वाला परिवार, हाँ अरे इनके बाप की साइकिल की दुकान थी लुधियाना में, ये बड़ा पुराना इनका किस्सा है, बड़ा चिट्ठा है। इनके परिवार की वहां लुधियाना में साइकिल की दुकान थी, लखनऊ में इनके ससुर की दर्जी की दुकान, कपड़ा सिलते थे वो, पुलिस की वर्दी, वो इनके ससुर यहाँ लखनऊ में उनकी दुकान है, तो वो तो एक अलग इतिहास है। वो क्या काम करते थे इससे मतलब नहीं है। ये बताया कि वो लुधियाना वाले को अपने बाप की विरासत लाके अमेठी क्यों सौंप दी, जब गुजरात वाले पे दिल्ली आने बड़ी आग लगती है तो अपने बाप की विरासत वो लुधियाना वाले पंजाबी को सौंपने में तुमको शर्म नहीं आई। तो ये इनका दोगलापन, इनका दोहरापन और मनीष जी उजागर हुआ। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए भाजपा को और विशेष करके स्मृति ईरानी को, और लाटरी तो खुल गई दिनेश प्रताप सिंह की, रायबरेली में जो है आज किशोरी लाल को अमेठी से प्रत्याशी बनाकर दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपनी हार तय कर ली है, दोनों सीटों पर अपनी हार तय कर ली है। इस आदमी के विषय में जरा मनीष जी पहले दिखा दीजिए, ये आदमी कितना बदतमीज और अहंकारी है कि आज इसने टाइम्स नाउ नवभारत के सुशांत सिन्हा को किस तरह से अपमानित किया हो, तो मैंने देखा नहीं था ट्वीट, मनीष जी ने मुझसे बताया, तो मैंने कहा जरा आज इसकी ठीक से क्लास ली जाएगी। देखिए, सुशांत ने कुछ ट्वीट किया था और सुशांत के ट्वीट पे किशोरी लाल ने जो जवाब दिया है वो देखिए। जब तुम छोटे बच्चे थे, छोटी चड्डी पहनते थे, तब अमेठी आ गया था। अमेठी रायबरेली के विकास का साक्षी हूं। तकलीफ तो है, मिरंडा पियो ठंडी मिलेगी कलेजी। ये स्तर दिखाता है कि संसद का मतलब इग्नोर कर सकता था। बहुत लोग बहुत कुछ लिख देते हैं किसी के बारे में। दरअसल सुशांत ने फिर उसको जवाब दिया है बहुत अच्छा। सुशांत सिन्हा ने लिखा है, किशोरी लाल जी, आप तो खुद ही गांधी परिवार को एक्सपोज कर रहे हैं कि इतने साल से आप घिसते रहे, लेकिन आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता को मौका भी मिला तो तब मिला जब राहुल जी अमेठी हार गए और इस बार उनका लड़ने का मूड नहीं बन रहा था। यानी कि बड़े कर्मचारी करके उसने अच्छा लिखा कि खूब लड़िए, जीत जाइए, शुभकामना, लेकिन आपकी भाषा जो है, ये भाषा पे सवाल उठाया। सचमुच ये चौंका रहा है कि ये आदमी राजनीति करने आया है। तो मैं मैंने तो नहीं कहा जानता हाँ इसको, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ हाँ मैंने लखनऊ में पत्रकारिता करने वाला हर आदमी जानता, खासकर जो थोड़ी राजनीति में रुचि इसकी है, कि मैंने कहा ना कि जैसे ही मैंने सवेरे सुना कि किशोरी लाल अमेठी से, तो हमने कहा कि थाली में सजाकर कांग्रेस ने दोनों सीटें, रायबरेली भी गई, रायबरेली का भी सत्यानाश है। अब ये अभी बताऊंगा कि क्या थोड़ी सी सावधानी स्मृति ईरानी को, और दिनेश प्रताप सिंह तो खैर लोकल आदमी है, वो जानता है बहुत अच्छे से, दिनेश प्रताप सिंह तो उन चीजों को मैनेज करेंगे ठीक से। कि मनीष जी ये किशोरी लाल इनको सुशांत सिन्हा को ज्ञान दे रहा है, ये आदमी, इस आदमी की भाषा ही ये है। ये आदमी, और ये जो बता रहे कि कांग्रेस का बड़ा कार्यकर्ता, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, ये सतीश शर्मा का नौकर हुआ करता था, जरा किसी कांग्रेसी से पूछ लीजिएगा। ये राजीव गांधी जब जिंदा थे तो एक तरह से सतीश शर्मा वहां इंचार्ज हुआ करते थे, और सतीश शर्मा और वो जो सेक्स कांड में फंसा था आपका मीर, कश्मीर वाला, ये दो आदमी यहाँ हुआ करते थे। और सतीश शर्मा थोड़ा राज किस्म के व्यक्ति थे, तो एक अपना नौकर चाकर रखे थे कि तुम जरा काम धाम देखा करो, तो सतीश शर्मा इसको बताते थे, और सतीश शर्मा काम ये करता था। और 1999 तक, जब तक सोनिया गांधी अमेठी से सांसद नहीं बनी, राजीव की मृत्यु के बाद फिर कोई गांधी परिवार से था नहीं, तो रायबरेली अमेठी होता रहा। 99 में जो सोनिया अमेठी से सांसद बनी है, तब से इसकी किस्मत चमकी और इसने सतीश शर्मा को दांव देना शुरू किया, ये गांधी परिवार से तरफ शिफ्ट हुआ और इसने सतीश शर्मा निपट गए। सतीश शर्मा को जो कांग्रेस की राजनीति जानते बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या क्या इसने खेल किया था। और ये मोस्ट पावरफुल आदमी अमेठी और रायबरेली के अंदर था, यानी रायबरेली और अमेठी का कोई फैसला ये गांधी परिवार अगर जो करता था, तो वो फैसला वही होता था जो किशोरी लाल चाहता था। ये उनका आंख नाक कान सब बन गया था, पूरी तरह से एक तरह से गांधी परिवार का दूत था। लेकिन मैंने कहा ना कि क्यों थाली सजा के दी है कांग्रेस ने भाजपा को,
अब ये जीत के ऊपर तो कैसा इस्तेमाल करते हैं कि इसकी वजह से एक छोटी मोटी नहीं मनीष जी, मैं कांग्रेस के अंदर की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के बड़े ठीक ठाक जिनकी एक अपना जनाधार और बड़े राजनीतिक लोग हैं उसकी एक बहुत बड़ी फौज, वो जब तक किशोरी लाल का सिक्का चला तो रायबरेली और अमेठी से वो बाहर हो गए कांग्रेस से, तो वो इनके साथ कभी नहीं रहे। तो एक इससे नाराज कांग्रेसियों की फौज बड़ी लंबी फौज है और बड़ी कारगर फौज होगी इस चुनाव में, क्योंकि उनके लिए ना कांग्रेस मुद्दा है और ना उनके लिए मुद्दा है भाजपा, उनके लिए मुद्दा है कि किसी तरह किशोरी को हराओ, किशोरी को निपटाओ, क्योंकि उनको बदला लेने का मौका अब मिला है। इससे पहले राहुल गांधी हार गए, प्रियंका गांधी हार गए, इसका कोई नहीं होता था। इसकी जो दौलत संपदा है उसकी चर्चा वो लोग करते हैं कि ये तो अब उनको आया है कि अब ये आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मैंने आज दो एक लोगों से बात की है तो वो बिल्कुल आतुर बैठे हैं कि अवसर मिले और बस कैसे उनको वो सक्रिय हो जाएंगे। तो अब उन लोगों को पकड़ना और सक्रिय करना स्मृति ईरानी काम है, दिनेश सिंह तो कर लेंगे, दिनेश सिंह को मालूम बहुत अच्छे से। तो ये एक तो अमेठी तो इस आदमी की हार निश्चित है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और सबसे खास बात यह है कि ये पंचिंग बैग बना रहता था कि जितना भी आदमी नाराज था तो ये गांधी परिवार ने ये सिस्टम बना रखा था कि लोग वो कहे अरे नहीं, राहुल तो ठीक है लेकिन ये किशोरी बड़ा हरामी है। ये आम आदमी की वहां पे इसके भी इसकी छवि थी और ये इस तरह से कमाता था, तो वो जो वो छवि इसकी कहीं आज बदली नहीं है। तो इसका तो बहुत बुरा हाल अमेठी में होना है, ये कहीं दर्शक नोट कर ले। तो किस हिसाब से इसको मैदान में उतारा मेरी समझ में नहीं आया कि क्या सोच के चुनाव में उतार दिया। लेकिन इससे नाराज लोगों की संख्या रायबरेली में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोनिया गांधी तो 2-4 साल में एक आध चक्कर मारा, घंटे आधे घंटे के लिए बड़े लोगों से मिली, उसके बाद चली गई। सारा काम सिस्टम इसी के पास होता था। और इससे नाराज लोगों का कारण बता दूं अब कि किस गांव में कहां सड़क बनेगी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की बनेगी, कौन कौन ठेकेदार बनाएगा, कौन ठेकेदार नहीं बनाएगा, किसको ब्लैक लिस्टेड करना है, इस काम में कारोबार में पूरा अमेठी का और रायबरेली का पूरा सांसद निधि यही संभालता था। और एक बात जो खैराती कभी नहीं बताते, ना इन्होंने कभी इस पर खबर दिखाई। अभी कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी को जरा वो भी कोटा उजागर कर देना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए वो सच कि कांग्रेस के जितने राज्यसभा सांसद थे मनीष जी उस दौर में, जिस समय 210 सीटें की हुआ करती थी, कई राज्यों में सरकारें थी, उन सब राज्यसभा सांसदों का कोटा रायबरेली और अमेठी ही आता था और उस कोटे को हैंडल ये किशोरी लाल ही करता था। इसके अपने बड़े सेट लोग थे, ठेकेदार थे, लखनऊ तक के थे, और वो 10-20-25 ठेकेदार, उनकी वजह से मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग नाराज थे कि वो ठेकेदार कैसा काम करते थे, कैसी लूट होती थी। इसीलिए हमें स्मृति ईरानी को इसीलिए जीत मिली क्योंकि वहां पे विकास कहीं दिखता ही नहीं था। ये अलग बात है कि आते वहां सैकड़ों करोड़ों रुपए थे, हर हर राज्यसभा सांसद कांग्रेस का वो अमेठी रायबरेली को ही अपना दान देता था। एक अभी आपको बता दूं, आप चौंक जाएंगे मनीष जी, अब वो वही उसी टीम का उसी उसी टीम के खबरी ने मुझको आज से 10-12 साल पहले बताया था। तो वो कांग्रेस ठीक ठाक स्थिति में कि 2009 2009 का चुनाव है या 2000, हाँ 2009 का चुनाव है कि 2009 के चुनाव में मनीष जी मालूम कितनी मोटरसाइकिल रायबरेली में आई थी, नई कितनी आ सकती है दर्शक जरा कल्पना करें, 29,000, 29,000 का मतलब ये कागज पे आई थी ये अब ये मैं बता रहा हूँ खेल कि 29,000 मोटरसाइकिल के कार्यकर्ताओं में वितरित कर दो ताकि प्रचार हो रायबरेली और अमेठी को कैसे छला छला गया। और वो कागज पे आई और कागज पे बट गई और जो एजेंसी वाला था उससे डील हो गई कि तो तुमने बेची हमने खरीदी और बटी नहीं बटी ये काम छोड़ो। और वो कितने लोगों को बटी हुई एक अलग कहानी। मैंने कहा ना कि स्मृति ईरानी अगर ने अभी तक तो नहीं पकड़ा लेकिन अब भी अगर कोशिश करके पकड़ ले तो किशोरी लाल तो छोड़िए, इस गांधी परिवार को शकल दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इतने काले कारनामे मतलब गठरी है बहुत बड़ी, जो 7 साल में स्मृति ईरानी तो नहीं पकड़ पाई, वो फलानी फैक्ट्री दिमागी फैक्ट्री ये वो, लेकिन कैसे लूट हुई है जनता के पैसे की। क्योंकि वो जो पैसा आता था वो राज्यसभा सांसद लोकसभा सांसद अलग अलग पूरे देश से यहाँ पैसा भेजते थे। मेरी आज ही बात हो रही थी तो कह कह सती जी 7 साल तो मैडम की समझ में आया नहीं, देखिए अब समझ में आता है कि नहीं। अब तो अब मुख्य वो यही शब्द थे कि मुख्य अपराधी तो अब आया है मैदान में। तो वास्तव में देखे क्या करती है स्मृति ईरानी, कैसे लड़ती है, कैसे
उनके लिए भी कोई बहुत अच्छी सूचनाएं मुझे अभी तक नहीं आई है मनीष जी, कि वहां भी कुछ कोटरी ने घेर लिया है, लेकिन अब ऐसा प्रत्याशी की चुनाव तो जीत जाएंगी, लेकिन उसको ढंग से कैसे मैनेज करना, तो अभी निगाह रहेगी, हम लोग चर्चा इस पर करेंगे। और वो जो मैं घटना बता रहा हूँ, तो इसी तरह का शिकार रायबरेली हुई है, और रायबरेली की जनता गांधी परिवार से हो सकता है उसका जुड़ाव हो, लगाव हो, लेकिन किशोरी लाल से वो इतना नाराज है, और किशोरी लाल को जब इन्होंने टिकट दे दिया तो उनके एक तरह से जले पे नमक डाला है कांग्रेसियों ने। तो वो जो किशोरी लाल से नाराज वर्ग था, अब वो राहुल गांधी को भी सबक सिखाएगा, और स्थितियां काफी अब बदल चुकी हैं। आपने बहुत बड़ी बारीक बात की है। मुझे लगता है कि यदि इस ये व्यूज यदि स्मृति ईरानी की टीम तक पहुंचेगी, क्योंकि मेरे कई हाँ साथी हैं जो बहुत क्लोजली स्मृति की ईरानी जी के लिए काम कर रहे हैं, तो या फिर बीजेपी की आईटी सेल इस विश्लेषण को यदि उठाएगी तो उसके कितने काम के होंगे। लेकिन सर वजह क्या होगी फिर? आज इसका मतलब ये कि माल इसके पास बहुत ज्यादा है, तो रायबरेली में भी राहुल गांधी के लिए खर्च करेगा। आपने बहुत बेहतर तरीके से अमेठी और रायबरेली दोनों कनेक्ट कर दिया कि इस किशोरी के कारण रायबरेली भी हारे हारेगी। लेकिन इतनी ऐसी गलती परिवार ने क्यों की? क्या इस किशोरी के पास बहुत माल है तो कांग्रेस परिवार को खर्चा रायबरेली में ना करना पड़े, अकेले किशोरी लाल अमेठी और रायबरेली दोनों का खर्चा उठा ले, ये वजह होगी? नहीं नहीं मनीष जी, ये वजह नहीं है, ये पहेली मैं अभी भी नहीं सुलझा पा रहा हूँ कि इसको क्यों उतार दिया मैदान में। पैसे का देखिए, कांग्रेस की चाहे जो भी कहे, कर्नाटक में सरकार चल रही है, तेलंगाना में सरकार चल रही है, हैदराबाद है तेलंगाना में, तो इतना बड़ा ये आदमी नहीं है, इतना बड़ा आदमी नहीं है। इसने खाया पिया अपना ठीक मतलब ठीक हो गया, वो ठेकेदार हो सड़क बनवाने में, फलाना करने में, इन सब कामों में रहा, ये इतना बड़ा नहीं है आदमी नहीं है कि ये कोई इसके धन का मोहताज कोई गांधी परिवार हो जाए, ये बेकार वाली बात है। ये गुत्थी मैं अभी भी सुलझा नहीं पाया हूँ कि इस आदमी को क्यों उतारा गया है, तो ये एक दो दिन में पता चलेगा तो बताऊंगा, क्योंकि वो जो इसके विरोधी वो भी चौंक रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कैसे इस परिवार की बुद्धि फिर गई क्या, कि इस आदमी को कैसे क्यों क्या सोच के उन्होंने मैदान में उतार दिया। और मनीष जी, अगर वो बात पहुंच जाएगी तो उसके और जले पे नमक पड़ जाएगा। उनका भी कहना था कि इससे तो बेहतर था वाड्रा को ही उतार देते, तो वाड्रा जब सुनेगा इस तरह की टिप्पणियां, तो और वो रात में सो नहीं पाएगा। बिल्कुल, तो वाड्रा को भी जला दिया इसने। वाड्रा आज देखा हाँ वीडियो में भी जो अपमानित अपने आप को हाँ महसूस कर रहा था, लेकिन कई वफादार कह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया चयन हुआ है, वो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है। अरे तो मनीष जी, आप तो कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, आपको याद करिए आरवीएस मनी जो गृह मंत्रालय में सचिव थे, उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि कमलनाथ ने मुझसे गलत काम करने के लिए कहा, जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि यहाँ लोग के राहुल गांधी का पेशाब पीने के लिए बेताब रहते हो, तुम उनके काम के लिए मना कर रहे हो। तो जब कमलनाथ ऐसा नेता आरवीएस मनी से कह रहा था कि राहुल गांधी का पेशाब पीने के लिए लोग लाइन लगाए रहते हैं, तो ये तो छोटा कार्यकर्ता, तो चमचागिरी में वो जो कर दे वो सही है। इस तरह की टिप्पणियों में देख रहे हैं आप, खैराती राती जो सवेरे कुछ बोल रहे थे, शाम तक डोरा डंगर लेके अपना पहुंच गया बुढ़िया बिस्तर, वो ही लगाएंगे पूरे देश का चुनाव, उनको रायबरेली और अमेठी में ही नजर आएगा। ये चमचे लेकिन हैं चमचों सर ये बड़ा आपने रोचक छेड़ दिया। मैं वही देख रहा था, कोई सनसनीबाद जैसा छिछोड़ा पत्रकार जो एक शुक्ला जी के पूंछ पकड़ कर सीधे पत्रकार संपादक बन गया, उसके ज्यादा कोई औकात नहीं है। किसी अनजान से एक ऐसे मतलब जो जिसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे यूट्यूबर्स ने उसको यदि झाजी बना दिया तो उसको अपनी जाति पर मतलब अपनी जाति पर इतनी शर्म आई कि बताया नहीं कि नहीं नहीं वो झा नहीं है, क्या है। और कोई इतना ईमानदार ईमानदारी का नाटक करने लगा, आज वो रो रहा था कि हम तो जाल बजा रहे थे अमेठी के लिए, रायबरेली चले गए, हार जाएंगे, और सवेरे से सब डोरा डंडा लेके यूट्यूबर पहुंच गया। लेकिन इसके आका अमेठी नहीं गए। ये लोग जो स्मृति ईरानी को हराने के लिए जो बेचैन है, ये पूरा खलियर गैंग, वो अब ये कैसे जस्टिफाई करेगा कि अमेठी में अपने घरेलू नौकर को उतारने के बाद राहुल गांधी सोनिया गांधी प्रचार करने तक नहीं गए, प्रियंका वाड्रा को भेज दिया। मैं प्रियंका साथ गई है थोड़ी देर के लिए, प्रियंका जो गई है प्रीति, नॉमिनेशन फाइल करने, हाँ नहीं राहुल की माता है ना, ना भाई, अमेठी का तो पुराना सांसद है वो। नहीं मनीष जी, मैंने कहा ना, आज के इस चयन के बाद राहुल गांधी का रायबरेली, किशोरी लाल का अमेठी लड़ना कई सवालों को जन्म दे गया, जिसकी बात ये लोग नहीं कर रहे। खैराती कि प्रियंका क्यों नहीं लड़ी चुनाव, ये इस बात का जवाब कांग्रेसियों को देना चाहिए कि हालांकि भाई इंटरनल मामला है,
लेकिन जो नेतागिरी है उसमें इंदिरा की नाक और इंदिरा की जुल्फे ये सब उसमें देखा करते थे, उसमें इंदिरा तलाश रहे थे पिछले 5 साल से, आड़ा पाड़ा सनसनीबाज इंदिरा उसमें रात दिन उसी में इंदिरा देख रहे थे। वो प्रियंका गांधी उसकी हिम्मत क्यों नहीं हुई रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ने की, ये मनीष जी यहाँ तो असलियत बढ़िया ये है। अवसर था, हमें रायबरेली के नैरेटिव गढ़ देते कि अपनी दादी की तरह दिखती थी, तो दादी वाला जगह जो इसको भेज दिया गया, बड़ा बढ़िया जगह था रायबरेली। हाँ, रायबरेली बड़ा बढ़िया जगह था। और एक एक दौर था कि प्रियंका चुनाव लड़ना भी चाहती थी, तो क्यों नहीं उतरी, क्यों नहीं उतरा, मतलब प्रियंका से ज्यादा बेहतर उनको किशोरी लाल क्यों लगा, ये कांग्रेस को ये तो स्पष्टीकरण देना चाहिए जरा, आज अमेठी की जनता को ही बता दे कि भैया किशोरी लाल इसलिए ज्यादा बेहतर था। तो ये मनीष जी जो प्रियंका का मैदान में ना उतरना है, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि जूते में दाल बट रही है इंडी गठबंधन में, घर में भी जूते में दाल बट रही है। और वो अभी आपने जो क्लिप दिखाई वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अदालत के कमरे में कैसे दोनों मियां बीवी जूझ रहे थे, तो कुछ ना कुछ बड़ा गहरा पक मुझे रहा है। लगता है कि और इतना ही वीडियो वायरल है, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि प्रियंका और वाड्रा लड़ क्यों रहे हैं, दोनों पति पत्नी वहां लड़ क्यों रहे हैं। मतलब सबको पता है वह कैमरे हैं और दोनों के रिलेशन बता रहा है वो वीडियो कि आखिर अंदर इन दोनों के बीच है क्या। पब्लिकली बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, नहीं नहीं मगर मनीष जी, मैं वो लड़ नहीं रहे, दोनों दोनों ताव में है, दोनों खींचे हुए हैं और एक दूसरे की खींच एक दूसरे पर निकाल रहे हैं। कारण कुछ और है, जो बड़ा कारण है, और वो रायबरेली के चुनाव का परिणाम जब सामने आएगा तो वो खुलकर आपके सामने आएगा, विस्फोट होगा, बड़ा विस्फोट होगा। सर लेमन चूस समझते हैं ना, लेमन चूस तो क्या, लेमन चूस थमा दिया गया कांग्रेस के खैराती और चमचे पत्रकार आज टेलीविजन से लेके इस सनसनीबाजों का गैंग कह रहा है कि वायनाड और रायबरेली दोनों जीत जाएंगे तो लेमन चूस थमा दिया जाएगा प्रियंका वाड्रा को, जाओ जाके वायनाड में चूसो लेमन चूस। अब वो तो मनीष जी जब बाबा मरेंगे तब बैल बटेंगे, तो पहली बात तो वायनाड में जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये है, और दूसरा रायबरेली में जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये तय नहीं है। तो अभी तो वो तो पहले जब रिजल्ट आएगा उसके बाद की बात है। और वो प्रियंका को वो नहीं लाएगा सामने, प्रियंका को निपटाने का पूरा इंतजाम है, यही चीज इन लोगों को नजर आ रही है। लेकिन एक और मनीष जी, आपने वायनाड का जिक्र कर दिया, तो वो जो जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान बनवाया उनको बड़ा बुरा लगेगा, जो कड़वा सच में बताने जा रहा हूं कि जो लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार हैं या जो पुरानी राजनीति कांग्रेस की देखते आए हैं, उन उनसे किसी से पूछ लीजिए, वो बता देगा कि गांधी परिवार जब रायबरेली की धरती पे कदम रखता था तो सबसे पहले मत्था टेकने जाता था अली मियां की कब्र पे, वो जो नदुए वाला अली मियां है उसकी कब्र पे जाता था। आज कोई नहीं गया, आज कोई नहीं गया, आज कांग्रेस कार्यालय में बकायदा गणेश पूजन किया और उसके बाद चले गए वहां। तो वो जो वायनाड वाले हैं उनको ये असलियत मालूम है कि नहीं मालूम है, जरा उनको कोई खराती मतलब पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, कि ये जो एकदम से हृदय परिवर्तन हुआ गांधी परिवार का, जिसमें वायनाड झूम रहे थे वहां के ज्यादी, तो इसका हिसाब किताब ये देंगे कि आज अली मियां की कब्र पे कब जाएगा, ये गांधी परिवार कब जाएगा अली मियां की कब्र पे मत्था टेकने, जिसके जिसके मदरसे में वो आतंकवादी खुर्शीद अहमद रहता था, जिसके मदरसे में गुयाना का आतंकवादी अबू बकर पकड़ा गया था लखनऊ के मदरसे में, उस मदरसे को चलाने वाला अली मियां रायबरेली में रहता था, उसकी कब्र वही है। तो ये मरने के बाद चाहे माँ जाए, चाहे बेटा जाए, चाहे बेटी जाए, वहां मत्था टेकने जरूर जाते थे अली मियां की कब्र पे आंसू बहाने। अब की कोई नहीं गया, मैं ये निगाह डालते था कि देखे अली मियां के जाते कि नहीं जाते, तो अब की नहीं गए, तो ये कैसे ठगते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, आज वो भी नमूना सामने आ गया। सर एक बात और कही जा रही है कि राजनीति में तो कि अखिलेश यादव प्रेशर डाल रहे थे कि यूपी से तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि यूपी में तुम भागोगे तो मतलब हमारा जो गठबंधन है वो कमजोर हो जाएगा कि भाई ये लोग मैदान छोड़ के भाग गए। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि अखिलेश चाहते हैं कि रायबरेली से ही हारे, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में वजूद खत्म हो जाए, ताकि तुष्टिकरण का बोर्ड जो है उस पर एक छत्र राज अखिलेश का हो जाए। तो अखिलेश तो चाहेंगे ही कि अमेठी से तो खत्म ही है खेल, रायबरेली से भी हार जाए, तो पूरा जतन जो है अखिलेश यादव लगाएंगे कि रायबरेली से इसकी हार हो जाए। नहीं, हाँ मनीष जी, ये अब थोड़ा गंभीर बता दूं लोगों को कि ये सपा का और कांग्रेस का गठबंधन है तो बड़ा आपको मजबूत नजर आएगा, लेकिन अंतर क्या है कि अभी 2019 में जब सोनिया गांधी लड़ी थी तो 5.5-8 लाख वोट सोनिया गांधी को मिला था, लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलग अलग लड़ी तो इनका वोट 7.25 लाख था,
तो ऐसा नहीं कि जब अगर यही बड़ा एका होता, क्योंकि सोनिया के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो वो सारा वोट मिलना चाहिए था। तो इसका मतलब वो वोट नहीं मिलता, वो वोट नहीं मिलता। 2 लाख वोटों का अंतर था विधानसभा और लोकसभा में, और भाजपा को जो है तो वो उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। और अपनी जो समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे ऊंचाहार वाला, वो अब भाजपा में है और वो आदमी जनाधार वाला है। उसने दो तीन बार तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को धूल चटाई है, उसके नाक रगड़ाई है, और एक तरह से विरोध में जाकर कांग्रेस वहां चुनाव लड़ती थी उसके खिलाफ। और दूसरे रायबरेली सदर से अदिति सिंह, अखिलेश सिंह की बेटी, वो भी अब भाजपा में है। तो अब की सोनिया गांधी को जो 2019 में स्थितियां मिली थी, अब की स्थितियां उसके विपरीत है। और 2019 में जरा स्थिति दूसरी थी। अब योगी बाबा को 7 साल हो चुके हैं, तो योगी बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, तो अब की रायबरेली में राहुल गांधी को स्थितियां बड़ी गंभीर मिलेंगी, और बड़ी कठिन सवालों का जवाब इनको देना पड़ेगा कि आखिर ये आदमी वायनाड के बाद, और वायनाड के वोटिंग होने के बाद ये घोषणा इसने क्यों की। ये पहले बता देता कि हम दो जगह से लड़ेंगे, रायबरेली लड़ेंगे, अमेठी लड़ेंगे। ये चोरों की तरह एकदम बिल्कुल सीक्रेट बना के, जैसे कोई देख न ले, कोई सुन न ले, इस तरह से तो रायबरेली पहुंचा है। तो इन सब बातों का जवाब अब देना पड़ेगा रायबरेली में।